तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम फिर से एक बार चार्ट को एनालिसिस करके वो जानेंगे कि कैसे हम अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे हम अपने लॉस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे चार्ट को एनालिसिस करते हैं। चार्ट को एनालिसिस करते वक्त हमें कौन कौन से पॉइंट्स को हमें याद रखना है, ठीक है, कैसे चार्ट को रीड करते हैं, कहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे 14 नवंबर 2024 का यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। ओके ओके, तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं तब हमें फर्स्टली क्या देखना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने हैं। ठीक है, तो वो कैसे मार्क करेंगे, तो उसके लिए हमें वन डे बैक मतलब कि प्रीवियस डे में हमें सर्च करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रीवियस डे का चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ लेवल्स यहाँ पे पहले से मार्क किए हुए हैं, तो वो कैसे मैंने मार्क किए हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ। चलिए, यहाँ पे 13 नवंबर 2024 का यहाँ पे चार्ट ओपन किया है। ठीक है, प्राइस यहाँ से ओपन होती है, फिर इस वाले लेवल से रेजिस्टेंस लेती है, फिर प्राइस जहाँ से ओपन होती है उसी के नीचे यहाँ पे ब्रेक डाउन दे देती है। तो ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेवल्स वन यहाँ पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है। ओके, जैसे ही प्राइस ओपनिंग के नीचे क्लोज होती है तो यहाँ पे इस वाले लेवल के नीचे प्राइस ब्रेक डाउन देती है, तो प्राइस ने यहाँ पे क्या बनाया, लोअर लो बनाया। फिर प्राइस दोबारा से इस वाले लेवल को टेस्ट करती है, कौन सा लेवल, ये वाला लेवल जहाँ से प्राइस ओपन हुई थी। ठीक है, वहाँ पर लोअर हाई बना के दोबारा से प्राइस इसके यहाँ पे जो लोअर लो था इसी को भी दोबारा से यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना के प्राइस बियरिश ट्रेंड में है। क्लियर, तो यहाँ पे हमने कौन कौन से लेवल मार्क किए, फर्स्ट ये वाला रेजिस्टेंस, दूसरा था ये वाला रेजिस्टेंस और थर्ड था ये वाला सपोर्ट। क्यों यहाँ पे सपोर्ट लिया, क्योंकि प्राइस यहाँ से इस वाले लेवल के नीचे, इस वाले लेवल के नीचे लोअर हाई बना के वापस से लोअर लो नहीं बनाया। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग निकलता है कि प्राइस यहाँ से ट्रेंड चेंज करने वाला है। ओके, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे सपोर्ट बन गया। ठीक है, सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस यहाँ से हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, दोबारा से हायर हाई बनाता है। तो ये जो लेवल हमने मार्क किया था उसी पे प्राइस दोबारा से रिस्पांस लेता है और यहाँ पर रिजेक्शन लेता है। ठीक है, रिजेक्शन लेने के बाद जो हमने यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट बनाया था प्राइस उस वाले लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट करता है। क्लियर, चलिए फिर प्राइस देखिए इस वाले लेवल को रिटेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, प्राइस इसी लेवल के आसपास यहाँ पे साइडवेज चल रही है और इसी लेवल को प्राइस ब्रेक डाउन करता है। ओके, ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस दोबारा से इस वाले लेवल पे सपोर्ट बनाता है और सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस दोबारा से इस वाले लेवल को एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करता है और प्राइस थोड़ी देर के यहाँ पर रेंज में चली जाती है। ठीक है, ओके, अब रेंज में चले जाने के बाद प्राइस ये जो हायर पॉइंट था उसको यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस दोबारा से यहाँ पे रिजेक्शन फेस करता है। क्यों फेस करता है, तो देखिए यहाँ पर प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे क्या लिया है, रिजेक्शन लिया है। तो ये क्या हो गया, ये सेलर जोन हो गया, यहाँ से सेलिंग शुरू हो जाती है इस वाले लेवल से। ठीक है, तो प्राइस जैसे ही इस वाले लेवल के पास आता है तो यहाँ से सेलिंग शुरू हो जाती है और दोबारा से यहाँ पे बियरिश ट्रेंड एक्टिव हो जाने के बाद दोबारा से इस वाले लेवल को प्राइस रिटेस्ट करता है। ठीक है, और प्राइस ये जो हमने सपोर्ट बनाया था उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रांग यहाँ पे सेलिंग हमको दिख रही है। तो हमने कौन कौन से लेवल मार्क किए, यहाँ पे ये सपोर्ट मार्क किया और ये जो सेलर का जोन था
उसी को हमने यहाँ पे नंबर सिक्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने मार्क किया, ठीक है। और यहाँ पे फिफ्थ नंबर का जो सपोर्ट था उसको ब्रेक डाउन करके दोबारा से प्राइस लोअर लो लोअर हाई बना के वापस से लोअर लो बनाता है, और लोअर लो बनाने के बाद वापस से प्राइस इस वाले लेवल के पास जाने की कोशिश करता है और ब्रेकआउट कर देता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस वाले लेवल पे डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो जाने के बाद प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन सा लेवल ड्रॉ किया, तो ये नंबर सेवन वाला, ये क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने टोटल एक से लेके सात लेवल्स मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंस यहाँ पे मार्क किए, जिसका यूज हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट डे के चार्ट में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम उसका वो लेवल यहाँ पे हम मार्क करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपर साइड रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5। और इसके बाद क्या होता है, देखिए अपर साइड टोटल 5 रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी प्रीवियस डे, ओपन कहाँ पे होती है तो कि यहाँ पे होती है, ठीक है। ओपन कहाँ पे होती है आप जरा मार्क कीजिए, मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, प्राइस क्लोज यहाँ पे होती है, ओपन यहाँ पे होती है, इस वाले लेवल के नीचे क्लोज होती है और ओपन होती है, क्योंकि ये जो हमने प्रीवियस का हमने जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने ड्रॉ किया उस वाले लेवल के नीचे प्राइस यहाँ पे ओपन होती है। तो प्राइस फर्स्ट कैंडल में ये जो बड़ी सी बिग बार कैंडल बनाती है, ठीक है, बिग बार कैंडल बनाती है, वो यहाँ पे टेस्ट करके दोबारा से इस वाले लेवल के नीचे, ये जो लेवल था उसी के नीचे क्लोजिंग कर देती है कैंडल। देखिए ओपनिंग यहाँ से हुई, क्लोजिंग यहाँ से हुई और हायर यहाँ पे बना, ठीक है। ये पूरा ये जो उसकी अपर साइड जो वीक थी वो क्या दिखा रहा है, स्ट्रांगली यहाँ पे सेलर सेक्टी है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम कैंडल्स को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस की जो बॉडी थी उससे ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मार्केट अभी भी बियरिश ट्रेंड में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा से यहाँ पर इस वाले लेवल को टेस्ट करता है, कौन से लेवल जो हमने प्रीवियस डे बनाया था, ये नंबर सेवन वाला हमने जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया, तो प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेता है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्ट्रांग बाइंग दिखा रही है, ये कैंडल की वीक देखिए, लोअर साइड वाली वीक, यहाँ पे स्ट्रांग यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है, ठीक है। फिर प्राइस इस वाले लेवल को दोबारा से रिटेस्ट करता है, तो प्राइस ने क्या किया, शुरू यहाँ से हुई, यहाँ पे हायर बनाया, यहाँ पे लोअर बनाया, दोबारा से यहाँ पे हायर बनाया, ठीक है। और प्राइस यहाँ से दोबारा से रिजेक्शन लेती है, क्यों, क्योंकि अपर साइड तो सेलर्स एक्टिव है, इसलिए प्राइस को ऊपर की ओर मूव नहीं करने दे रहे, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्शन लेता है, और अब हमको देखना है कि इंडिकेटर कैसे काम करता है, क्योंकि मार्केट में जब भी एक ही रेंज में प्राइस चले तब हमको क्या करना है, वेट करना है कि कब हमें सही से कोई सिग्नल मिले, कोई इंडिकेटर का हो, रेंज ब्रेकआउट हो, ठीक है, कोई ट्रेंड लाइन पे प्राइस फ्लो कर रही है, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, कोई अच्छी सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, ठीक है, या हमारा कोई ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है, इसी लेवल पे प्राइस ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल का हमें क्या करना है, वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए इंडिकेटर ने क्या यहाँ पे हमें शो किया कि प्राइस अपर से लोअर साइड यहाँ पे कैंडल को कट कर रही है, लेकिन ये जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है वो कैसी कैंडल है, यहाँ पे स्ट्रांग सेलिंग कैंडल नहीं फॉर्म हो रही है, देखिए लोअर साइड यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, ये क्या है, बाइंग प्रेशर है, ठीक है। तो ये कैंडल क्या दिखा रही है, कोई स्ट्रांग मूवमेंट नहीं दिखा रही है, क्यों नहीं दिखा रही, क्योंकि ये जो प्रीवियस ये जो लेवल हमने ड्रॉ किया वहाँ से क्या आ रही है, बाइंग आ रही है, इसलिए यहाँ पर बायर्स एक्टिव है। ये बायर्स कब तक एक्टिव हो गए, जब तक ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है
ये वाला लेवल जब भी प्राइस नहीं तोड़ेगा, ठीक है, ब्रेकडाउन नहीं करेगा, तब तक यहाँ से बाइंग आती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन कर देता है, ओके। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जब तक प्राइस इस वाले लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक यहाँ से बाइंग कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस वाली कैंडल ने, इस वाली जो ये जो कैंडल है उसने क्या किया, इस वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दी। तब हमको ये जो कैंडल है उसको क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है उसको हम मार्क करते हैं। चलिए इसका हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ओके। ये वाली जो कैंडल है उसको हम मार्क करते हैं, ओके। अब मार्क करने के बाद हम इसका कन्फर्मेशन कहाँ से लेंगे कि यहाँ से प्राइस गिरेगी, उसके लिए हमें कन्वर्ट करना है चार्ट को। हम यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम को यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं चार्ट को, और फिर यहाँ से हम देखते हैं कि प्राइस का बिहेवियर कैसा है। चलिए यहाँ पर मैंने 30 सेकंड टाइम फ्रेम यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर कोई अच्छी सी शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन लोजी या पीपीएफ मॉडल कहीं पे बन रहा है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमने मार्क किया, ठीक है। फिर यहाँ पे इस वाले लेवल पे क्या बन रहा है, अच्छा सा यहाँ पे पीपीएफ मॉडल बन रहा है। कैसे बन रहा है, ये जो फर्स्ट कैंडल थी उसके लो के नीचे ये कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है, और अच्छी सी बियरिश कैंडल यहाँ पे क्लोज कर रही है। क्योंकि इस कैंडल की बॉडी देखिए ऑलमोस्ट प्रीवियस कैंडल से डबल है, तो ये क्या कर रही है, बीआरई सिंगल फिन कैंडल पैटर्न यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल का हमने यहाँ पे कंफर्मेशन ले लिया कि प्राइस यहाँ से गिर रही है, ओके। तो हम ये कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं। तो इस वाली कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं इस वाली कैंडल पे। तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, इस वाले लेवल के अपर साइड, ये जो प्रीवियस हमने ये जो लेवल ड्रॉ किया था उसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते थे, ठीक है। तो फिर हमारा टारगेट कहाँ पे होता, तो नेक्स्ट जो लेवल था, ये जो नेक्स्ट लेवल था हमने जो सपोर्ट ड्रॉ किया था वो अपना क्या बनता, एज अ टारगेट बनता, ठीक है। तो आपको पता चल गया रिस्क लेवल रेशियो कैसे मैनेज करते हैं, हमारा रिस्क कितना होता, इतना, ठीक है, इतना हमारा क्या होता, रिस्क होता, और हमारा रिवर्ड कितना होता, ये होता। कैसे होता, ये हमें टारगेट मिला, कैसे मिला, प्रीवियस जो हमने यहाँ पे सपोर्ट बनाया उसी को हमने यहाँ पे टारगेट बना दिया, ओके। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे कितने पॉइंट्स हमें कलेक्ट हो सकते थे, ओके। तो यहाँ पे रिस्क बनता हमारा 15 पॉइंट का और हमारा टारगेट मिलता है 60 पॉइंट का, ओके। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते थे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद प्राइस ने दोबारा से इस वाले लेवल को क्या कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन करने के बाद प्राइस देखिए साइडवेज चली गई। कैसे चली गई, ये जो कैंडल थी ब्रेकडाउन वाली, उस कैंडल के नीचे कोई दूसरी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फैक ब्रेकडाउन, क्या हो गया, ये फैक ब्रेकडाउन हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रैपिंग हो रही है ट्रेडर की। जब भी प्राइस ऐसे फैक ब्रेकडाउन देता है तो उसका हमें कंफर्मेशन कैसे लेना है, नेक्स्ट कैंडल से। अगर ये नेक्स्ट वाली कैंडल इस वाले कैंडल के नीचे क्लोज होती तो हमें कंफर्मेशन मिल जाता कि यहाँ से प्राइस और भी गिरने वाली है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल ऐसे रिएक्ट नहीं कर रही है, उसी के पास यहाँ पे क्लोज बन रही है बैक टू बैक कैंडल। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन गया, यहाँ से क्या आ रही है, बाइंग आ रही है, ओके। तो ये क्या हो गया, एक थोड़ा सा यहाँ पे एक रेंज बन गई है, ओके। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस ने कैसे बिहेव किया था। यहाँ से प्राइस रेंज में चली गई, दोबारा से ऊपर की ओर मूव करने की कोशिश की, तो फिर प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया।
रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर से इसी लेवल पे प्राइस रिजेक्शन लिया, दोबारा से इसी लेवल पे सपोर्ट लिया। तो इसका कंफर्मेशन हो गया कि प्राइस एक रेंज में चली गई हो, और ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्राइस निकलेगी नहीं, तब तक कोई नई डायरेक्शन प्राइस को मिलेगी नहीं। और आप थोड़ा चार्ट को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि अपर साइड बैक टू बैक क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो टोटली यहाँ पे मार्केट क्या है, सेलर्स के साइड ही यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। और लोअर साइड प्राइस क्या कर रही है, गिर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव नहीं है, बायर्स ने यहाँ पर प्राइस को कंट्रोल किया है, लेकिन अपर साइड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से प्राइस नीचे की ओर मूव कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस देखिए एक रेंज में चली गई, और जब भी प्राइस रेंज में चली जाती है तो उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जब भी प्राइस रेंज में चली जाती है, इंडेक्स की प्राइस, तब क्या होता है, उसका जो ऑप्शंस होता है वो ऑप्शंस में थीटा डिके होता है। इसकी वजह से जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं उसमें एकदम फास्ट प्राइस उसका गिर जाता है। इसी वजह से क्या होता है, बायर्स का नुकसान होता है और सेलर्स का वहाँ पे प्रॉफिट होता है। जिसने भी शॉर्ट पोजीशन बनाई होती है उसका वहाँ पे थीटा डिके की वजह से वहाँ पे उसका प्रॉफिट होता है, लेकिन बायर्स का वहाँ पे थीटा डिके की वजह से नुकसान होता है, ठीक है। तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम वन डे बैक जाके कैसे हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम ट्रेंड को हायर हाई और लोअर लो को समझ के कैसे हम ट्रेंड को यहाँ पे समझ सकते हैं कि ट्रेंड का सही डायरेक्शन क्या है, ठीक है। कैसे हम रिस्क लेवल रेशियो मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर ही हमें स्टॉप लॉस लगाना था, कैसे हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें टारगेट सेट करना चाहिए, ठीक है। प्राइस में कैसे हम कंफर्मेशन ले सकते कि हमें एंट्री यहीं पे लेनी है। यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम फ्रेम एनालिसिस भी किया कि पहले हमने 4 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया, और जब भी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली तो तब हमने माइक्रो टाइम फ्रेम को यहाँ पे हमने एज ए कन्फर्मेशन यहाँ पे हमने यूज़ किया, ठीक है। और कैसे हम प्राइस की मूवमेंट को कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं कि प्राइस अप साइड चल रही है, डाउन साइड चल रही है, या साइडवेज चल रही है, ठीक है। साइडवेज मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ओके। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, गुड बाय।